लोकसभा के समर में आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तरीके से जुट चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच उनके मुद्दे कितने हावी हैं, आज हम इसका जायजा लेने के लिए कांकेर पहुंचे हैं। और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में इसलिए भी इसको जाना जाता है क्योंकि ये लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, लेकिन विकास के नाम पर जिस तरीके की छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार यानी पूर्व रमन सरकार और वर्तमान में भाजपा जिस तरीके से भूपेश सरकार नजर आ रही है अपने बातों को लेकर, उसका कितना इफेक्ट यहाँ के लोगों को है, उन बातों को जानेंगे आज हम यहाँ पर उन लोगों से ही। आखिरकार लोकसभा चुनाव इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और देश में मोदी सरकार जिस तरीके से अपने वादे कर रही है और राहुल गांधी अपने वादे कर रहे हैं, वो उनके वादों पर कितना इत्तेबाल रखते हैं, हम लोगों से ही जानेंगे। क्या लगता है ये लोकसभा का चुनाव मोदी का चुनाव होगा या राहुल गांधी? मोदी जी आएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी देश के विकास बहुत बड़े भागीदारी किए हैं। क्या लगता है उनकी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं भरोसा आपका जीता है? भरोसा बहुत सारा है और भी लोगों से हम जानते हैं। क्या लगता है बाबा मोदी सरकार? मोदी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि विकास हो रहे ना जी, जगह जगह रोड वोड बन रहे हैं, गांव घर सब बन रहे हैं, गली गली रास्ता बने जा रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब पूरे देश का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है, गांव का भी शहर का भी सब हो रहा है। जो लायक है उसी का आना चाहिए। जो लायक है मोदी राजा, मोदी राजा देखो जहाँ जाने का रास्ता नहीं था आदमी का, वहाँ सड़क बन गई, दड़क दौड़ रहे, कारें दौड़ रहे, तो लायक है ना, तो लायक के लिए सब आदमी दौड़ता। तो आपको क्या लगता है, आप उम्र दराज है, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी है पूर्व में, आपने में मोदी भी सरकार देखी है, तो आप मानते हैं कि मोदी ज्यादा कैपेबल? इतने 5 साल 14 साल में इतना हाल हो गया तो और आगे कहाँ होगा बाबा? देखो ना कांग्रेस तो हो जाएगा 52 साल 50 साल 60 साल से होते ही हो रहा है, रास्ते नहीं बन पाए तो कहाँ बन पाए, रास्ते नहीं बन पाए। हम कुछ और लोगों से जानेंगे आपको क्या लगता है। राहुल गांधी ने बहुत से वादे किए हैं, भूपेश बघेल ने बहुत से वादे किए हैं और मोदी वादे कर, देखिए वादों का ऐसा है कि वादे सब करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। फिलहाल भाजपा में ये तो है कि कम से कम 5 साल जो काम किया है वो दिखता है लोगों को। यहाँ 60 महीने में भूपेश बघेल सरकार भी यही कहती है कि हमने काम किया, वादे पूरे किए? नहीं, अभी तक के तो वादा जुमला रह के बन के रह गया है, क्योंकि अभी तक के जमीनी हकीकत में नहीं आया है। जो वादे किए हैं हो सकता है करे पूरे, लेकिन फिलहाल तो दिखता नहीं है। वो जो काम करेगा भैया वो तो आगे बढ़ेगा ही। कौन काम कर रहा है अभी फिलहाल? तो मोदी जी का काम दिख रहा है, तो बिजली पानी के यहाँ थोड़ा समस्या है कांकेर में, वही बस है बस। और देश में क्या लगता है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ जी। तो अभी लोकसभा में अब देखते हैं, जोर तो यहाँ अब ज्यादातर बराबर का टक्कर रहता है। मोदी जी की हवा है? है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, युवाओं के लिए सरकारों ने बात किया था, भाजपा ने भी कई वादे किए थे, शिक्षा को लेकर, गरीबी मिटाने को लेकर, रोजगार को लेकर, इत्तेफाक रखते हैं कि ये वादे पूरे हुए? कुछ कुछ वादे पूरे हुए हैं और कुछ कुछ वादे अभी पूरे नहीं हुए पूर्ण तरीके से। जैसे कि मोदी जी जो ने किया था अपना कौशल विकास योजना के तहत, जो बेरोजगार थे और जो अनपढ़ थे उनको शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ाया है, उनके तहत में प्लेसमेंट के द्वारा कोई कोई कंपनी के द्वारा काम भी दिया गया है बेरोजगारों को, जैसे कि अभी वाइन साहब है और कई सारे स्वरोजगार के प्रशिक्षण करके उनको रोजगार दिया गया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, क्या लगता है वादा पूरा हुआ? 2 करोड़ लोगों को जो देने की वादा की थी गवर्नमेंट, वो अभी तक पूर्ण तरीके से नहीं हुई है। राहुल गांधी अब इसी बात को काउंटर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम लोगों को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनसे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब उनकी सरकार आएगी तभी ये चीज मालूम होगा कि कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। यदि वो नहीं कर पाएंगे तो आने वाले 5 साल में फिर जनता और जागरूक हो जाएगी, तो ऐसे में जो है देश का जो स्थिति है वो, यदि काम नहीं करते हैं कोई भी सरकार तो परिवर्तन का डर उनमें बना रहेगा। और ये बहुत जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए कि निरंतर जो है यदि एक ही सरकार आएगी तो उसमें जो है निराशा लोगों को लगती है, तो परिवर्तन चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हुआ परिवर्तन, पिछले जो चुनाव हुए हैं 3 राज्यों में, उस चाहते कि जैसा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ है देश में भी कोई परिवर्तन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसानों को लेकर मुद्दा बना, राम मंदिर मुद्दा बना, भ्रष्टाचार मुद्दा बना, फिर उसके बाद कई ऐसे मुद्दे बने, उसके बाद फिर एक आया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आप मानते हैं कि भाजपा सरकार और जो ये काम कर रही है, ये दावे कर रही है, वादे कर रही है, ये जमीनी स्तर पर लोगों के लिए फायदेमंद है? भाजपा अभी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा, करते हैं वादे, कुछ कुछ तो वादे किए हैं उसको पूरा भी किए हैं, मगर कुछ वादे हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं।
क्या लगता है राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते? देखिए ये देश की जनता के ऊपर है, जैसे चाहे जनादेश जिसके ऊपर दे दे उस तरीके से बनना संभव भी है। किसकी बातों पर किसके वादों पर अभी ज्यादा भरोसा हो रहा है? लोकसभा चुनाव में तमाम घोषणा पत्र में वादे किए जा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से। जी पिछले विधानसभा चुनाव में आपने छत्तीसगढ़ में देख चुका है कि क्या बोलते हैं, जिस तरह से जनादेश जो बदला है उससे ये कि वादे भी एक काम आए हैं उनकी, उसमें से दो तीन वादे पूरे भी करने की कोशिश किया गया है, लेकिन उसमें जो जैसे एक किसानों का कर्जा माफी जो अभी आसपास के क्षेत्रों में उनके विरोध में सर हुए उनका कर्जा माफी नहीं हुआ है ऐसा। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा युवाओं के लिए जो बात कर रहे थे, युवाओं को कोई फायदा मिल रहा है? और अब आने वाली लोकसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? मेरे हिसाब से परिवर्तन होना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि वादे तो पिछले 5 साल पहले भी सुन चुके। एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रोजगार डाउन ही हुआ है, आंकड़े बंद कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबसे एक बार परिवर्तन होना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होना चाहिए। चलिए बहुत से लोगों का परिवर्तन का भी कहना है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी युवा चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन होना चाहिए, कि हर युवा चाहता है कि हर हाथ को काम और हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। मतलब मोदी सरकार ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया, युवाओं के साथ चला गया। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या आप मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, वादे फिर से हुए, फिर से बातें हो रही है, फिर से घोषणाएं हो रही है और एक अटैक भी हो गया? मोदी ने जो है 14 में वादा किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए। इस तरह से नवयुवक को बोले रोजगार देने के लिए और एक भी नहीं दिए रोजगार। और कांग्रेस ने 3 वादे पूरा किया, अभी सरकार जो बनी, कर्जा माफी, लोन माफी और किसानों का बोनस मिला 2500 रुपया। इस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है तो कांग्रेस का ही जलधार है, कांग्रेस का जलधार। हाँ, लोकसभा चुनाव में इसका दबदबा रहेगा। आपसे मैं फिर से एक बार जानना चाहूंगा, किसानों का ये जो मुद्दा है, तेंदू पत्ते का मुद्दा है, नक्सलियों का मुद्दा है, ये लगातार वादों में शामिल रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि अब जिसकी सरकार आएगी वो इन वादों को पूरा करेगी? कौन पूरा करेगा? देखिए पूरा करने वाली बात है, वादे हुए हैं लेकिन कुछ मामलों में इनको जवाबदेही होना चाहिए सरकार को कि वादा पूरा करे। वादे करके जाना अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि वादों को जमीन में आना चाहिए, ताकि नक्सली उन्मूलन वाली बात आ रही है तो वो भी सिर्फ इसमें ही चल रहा है जुमले में। स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर आप क्या कहेंगे, भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी आप किस नजर से देखें? यहाँ के मामले में दोनों प्रत्याशी दमदार हैं, जैसे वीरेश भैया भी हैं तो उनका जनाधार बहुत मस्त है, और भाजपा के प्रत्याशी भी उनका भी जनाधार अच्छा है। 19-20 की टक्कर रहेगी यहाँ पे जो भैया। तो पीएम के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? पीएम के रूप में तो मेरी मानना है मैं मोदी को देखना चाहूंगा। मैं कुछ और लोगों से जानना चाहूंगा, आप बताइए कि प्रत्याशियों को लेकर आप किसे बेहतर प्रत्याशी मानते हैं? लगातार वैसे भाजपा यहाँ से जीतती रही, भाजपा लगातार जीतती रही है कई 5 वर्षों से, जो इस समय लगातार चलते हुए देखा गया है टिकट भाजपा कांग्रेस में, जो अब कांग्रेस से टिकट जो मिली, जो व्यक्तित्वों से मिलनसार व्यक्ति छवि वाले को ही मिली है, और जो बीजेपी के द्वारा जो उम्मीदवार तय किया गया है, जो यहाँ पर जो पब्लिक द्वारा और 20 शहरों के बीच में सड़कों में आकर वो किसी से मिलनसार नहीं है, ना कि मिले हैं अभी तक, और उस प्रत्याशी का भी कई जगह अभी माइनस भी है, और जो कभी पार्टी का काम नहीं किया उसको देखते हुए पैरासूट की तरह उनको टिकट दिया गया है बीजेपी में, और कांग्रेस प्रत्याशी जिन्हें मिला गया वो लगातार नगर पंचायत जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य लगातार रहे, सभापति रहते अभी वर्तमान स्थिति में, अब वर्तमान भी चलते उन्हें लोकसभा प्रत्याशी चुना गया। प्रत्याशी के हिसाब से माना जाए तो यहाँ पर लोकसभा में कांग्रेस का दबदबा ज्यादा, कांग्रेस का दबदबा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मिलनसार व्यक्ति है और छवि भी अच्छी उनकी। आप क्या मानते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है अभी फिलहाल? कांग्रेस के प्रत्याशी भी हमारे बीरेश ठाकुर जी हैं। उनका व्यक्तित्व देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे भाजपा जो प्रत्याशी हैं मोहन मंडावी उनसे कहीं अच्छी है, क्योंकि वो एक कहा जाता है एक पैराशूट प्रत्याशी है, कभी यहाँ उसके भाजपा के उसके पार्टी में कभी सम्मिलित भी नहीं हुए, ना अच्छे से कभी तालमेल नहीं बैठा, और अचानक से उनको टिकट दे दिया गया, उनका विरोध भी चला कुछ समय तक। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी में ऐसी कौन सी खास बात है जो लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 5 साल से भाजपा का प्रत्याशी ही जीत रहा है? प्रत्याशी अब कांग्रेस के प्रत्याशी में बीरेश ठाकुर जी पंच से लेकर अभी जिला पंचायत सदस्य तक चुनाव में जीते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पिछले बार जो अब मोदी लहर के कारण विक्रम उसेंडी जी का जीत हुई, और विक्रम उसेंडी 5 साल तक नदारत रहे कांकेर में,
कांकेर लोकसभा क्षेत्र में दिखेगी नहीं। उसी तरह से मोहन मंडावी जी को अभी टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, वो भी अभी तक न पार्टी के मीटिंग में जाते थे न क्षेत्र के लोगों की समस्या को कहीं उठा पाते थे। लोकसभा आयोग के सदस्य रहे, सिर्फ रामायण में ही गए। रामायण में ही जाने से लोगों की समस्या पूरी नहीं हो जाती, लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती। उनको क्षेत्र में रहकर काम करना था, तभी वो प्रत्याशी के लिए उपयुक्त थे, और वर्तमान में देखा जाए तो बीरेश ठाकुर ही सही उपयुक्त। चलिए मैं कुछ और लोगों से जानता हूँ, क्या लगता है मोदी लहर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी कौन दमदार है, भाजपा या कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस की जनाधार बहुत अच्छी है, इसके पीछे बहुत सारे भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 4 से 5 जो चुनाव हुए हैं उनमें सांसद बन के गए थे बीजेपी से, लेकिन आज तक कांकेर जिला जो है उनके प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी देखा जाए तो केंद्र में जब उनको सत्ता मिली थी तो भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण जो है वो यहाँ पे बता सके कि मैंने ऐसा किया। और मुझे यही लगता है कि केंद्र सरकार में भी जो है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कटा है जिन विधायकों का टिकट, तो सत्ता में भी उनको भी मतलब एहसास हो गया है कि उनके जो प्रतिनिधि जो वहां चुन के गए थे वो जनता के सामने में जो है कुछ अच्छा छवि नहीं कर पाए, अन्यथा उनका टिकट नहीं कटता। तो ये उनको मालूम है कि काम नहीं किए हैं और आने वाले भी जो है उनमें असमंजस की स्थिति थी। आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पर लोकसभा इस बार के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का वीरेंद्र ठाकुर जो है उनका दबदबा रहेगा? हाँ बिल्कुल, दबदबा रहेगा और बहुत विजय भी जो होंगे वो बहुत अंतर से होंगे उनमें बहुत सारे। आप क्या मानते हैं, यहाँ पर भाजपा लगातार पिछले 5 चुनावों में लोकसभा चुनावों में जीतती रही है, बड़े अंतराल से जीती है, और इस बार वीरेंद्र ठाकुर जो है वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, भाजपा कांग्रेस में कौन सा प्रत्याशी ज्यादा फायदेमंद? सर ये प्रत्याशी तो अभी लोकल स्तर पर कांकेर विधानसभा में शहर हो गया और आसपास के गांव में अपनी धमक नहीं छोड़ पाए हैं, सबसे बड़ी बात। और ये जनादेश के ऊपर है सर, सीधा सीधा मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी वो पहुंच नहीं पाए, ना कांग्रेस के पहुंच पाए ना बीजेपी के प्रत्याशी आम जनता तक अभी फेस टू फेस नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये क्या लगता है, आम जनता फिर कैसे मत चुनेगी अपना लोकसभा में, मोदी को चुनेगी? देखिए पिछले चुनाव में राम जी का सहारा था, इस चुनाव में मोदी जी के नाम से एक प्रकार से वो बन रहा है, फिर से मोदी जी का माहौल है। आपसे मैं जानना चाहूंगा प्रत्याशी भाजपा के या कांग्रेस के कौन से बेहतर? कांग्रेस के वीरेंद्र ठाकुर। क्या खास है उनका खानदानी दबदबा रहा राजनीति से, और मिलनसार व्यक्ति हैं और हमेशा जनताओं के बीच में रहे हैं दुख में सुख में। ये 5 बार जो भाजपा यहाँ पर किला बना चुकी है जीत का, लगता है आपको तोड़ पाएगी कांग्रेस? अब की बार तोड़ देगी, उनके नसीब के ऊपर होगा। तो ये जो कांग्रेस के तमाम लोग हैं यहाँ पर फिलहाल जो कांग्रेस के वादे हैं उनको लेकर ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है और देश के मुद्दे हावी होते हैं, ऐसे में लगातार जिस तरीके से यहाँ पर लगातार भाजपा का दबदबा रहा और उसके बावजूद अब कांग्रेस जिस तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन देखना जरूर होगा कि देश की राजनीति में कांकेर में भाजपा की लहर मोदी की लहर क्या गुल खिला पाती है और क्या एक बार फिर से वो जीत हासिल कर पाती है।